हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेडीएस अकेडमी। नाउ इस पार्ट में क्या कवर करेंगे फ्रेंड्स, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इससे पहले मैंने आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बता दिया है और उसके टाइप्स के बारे में भी बता दिया है। तो पहले जो लोगों ने उस वीडियो को ना देखा हो, प्लीज उस पार्ट को पहले देखो, उसके बाद जाके इस पार्ट को आप कवर करें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। द रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज बाय द ह्यूमन बींग्स टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। यानी ऐसे रिसोर्सेज जो क्या करें, नेचुरल रिसोर्सेज से बनाया गया हो और क्या करें, ह्यूमन बींग्स ने उसको क्या किया हो, यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या, रोड, रेलवेज, व्हीकल्स, मशीनरी सारे कैसे हैं, हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो हमारे टेक्नोलॉजी वो भी क्या है, हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंतर्गत ही आएंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव संसाधन क्या होता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू द नंबर एंड द एबिलिटी ऑफ द पीपल। यानी ह्यूमन रिसोर्सेज क्या किसको बोलते हैं, जब जहां पे क्या हो, नंबर्स एंड द एबिलिटी ऑफ पीपल, जो उसकी क्षमता हो पीपल्स की, एंड पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। और पीपल के पास क्या हो, क्षमता हो कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या करे, वो अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज में और ज्यादा रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सके। वेन दे हैव नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी, जब क्या हो उसके पास अच्छे ज्ञान हो, स्किल्स हो अच्छी और टेक्नोलॉजी हो, तो वो क्या कहलाएंगे, पीपल्स आर ह्यूमन रिसोर्स। ऐसे पीपल क्या कहलाएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ह्यूमन रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट रेफर्स द इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। यानी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट क्या कहलाता है, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल, यानी जो आदमियों की क्षमता हो और उसके स्किल्स जो हैं उसे क्या करना, इम्प्रूव करना, और क्या उससे क्या होगा, दैट दे एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, और ज्यादा संसाधन बनाने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में था। लास्ट टॉपिक हमारा कंजर्विंग रिसोर्स, यानी रिसोर्सेज का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली सो दैट दे कुड बी रिन्यूड एंड कंटिन्यू टू यूज इन फ्यूचर। इन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज किसे कहते हैं, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का क्या करें, केयरफुली से यूज करें, यानी सावधानीपूर्वक यूज करें, ताकि क्या हो, रिन्यू होते रहे कंटिन्यू और फ्यूचर में भी हमारे पास क्या हो, अवेलेबल हो सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू द केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज एंड द बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन। यानी रिसोर्सेज वो क्या करें, केयरफुली यूटिलाइज करें उन रिसोर्सेज का और एक बैलेंस बना के रखें, ताकि क्या हो, जैसे वो रिसोर्स कंजर्व हो सके, संरक्षित हो सके और फ्यूचर जनरेशन को भी ले भी क्या हो, हमारे अवेलेबल हो सके। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, इट इज आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। यानी हमारी एक ड्यूटी है कि हम क्या करें, रिन्यूएबल जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसे सस्टेनेबल तरीके से क्या करें, हम यूज करें। फोर्थ पॉइंट क्या है, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ शुड बी कंजर्व। यानी जो भी हमारा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है हमारी अर्थ को, क्या है, वो भी कंजर्व हो सके। फिफ्थ पॉइंट क्या है, द डैमेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एनवायरमेंटल सिस्टम शुड बी मिनिमाइज। यानी जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को डैमेज क्या करें, कम से कम करें, तो ये क्या है, इसके थ्रू क्या होगा, हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्वेशन कर सकते हैं, यानी सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनली पार्ट कवर हुआ। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं हर चैप्टर को अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू।